अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर भगाओ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस ऑन्को सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी स्टेजेस के बारे में, जो ये बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में जैसे फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, फिर थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और इनका महत्व क्या है। स्टेज जो है गंभीरता, ग्रेवनेस, कितनी डेंजरस बीमारी है वो हमें, या कितना कैंसर ठीक हो सकता है, कितने हम उस पर विजय पा सकते हैं, ये स्टेज डिसाइड करता है। बेसिकली एक ये मेजर की तरह है, एक भाई कितना किलो हम कोई सब्जी लेते हैं, कुछ लेते हैं, या मतलब बेसिकली कैटेगराइज करने के लिए कि हम कहाँ पे हैं, यहाँ से क्या हो सकता है। स्टेजिंग हर कैंसर में होती है, स्टेजिंग जरूरी होती है। इससे डायरेक्टली हमें यह पता चलता है कि हम कितने कामयाब रहेंगे या कितने हम मजबूर हैं। कैसे स्टेज को बनाया जाता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे हम पता करें कि भाई कौन सा स्टेज है। जब भी कैंसर का स्टेज किया जाता है तो उसमें तीन हिस्से होते हैं। एक होता है साइज, कितना छोटा बड़ा ट्यूमर है। एक उसमें होता है कितनी इसके अंदर फैलने की क्षमता है, कितना यह फैल सकता है, कितना इन्वेजिव है। तीसरा यह होता है शरीर के किन हिस्सों में बीमारी पहुंच चुकी है, जिसको हम मेटास्टेसाइज कहते हैं। जब भी हम कैंसर को देखें तो ये देखें कि कैंसर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। हम ये देखें क्या ये अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच चुका है, जैसे कि गांठों में, लिम्फ नोड्स। तीसरा हिस्सा यह है कि क्या ये शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे ब्रेन है, किडनी है, लिवर है, लंग है, बोन्स है, यानी शरीर के कोई दूसरे अंग में कहीं ये जा चुका है। वन इज द साइज, सेकेंड इज कहीं लिम्फ नोड्स विम्फ नोड्स में इन्वॉल्व तो नहीं है, थर्ड कहीं कोई ऑर्गन्स जैसे लिवर, लंग उसमें पहुंचा तो नहीं है। ये तीन चीजें की इंफॉर्मेशन लेके एक स्टेज को कंपाइल किया जाता है कि कौन से स्टेज में ये कैंसर है। हर कैंसर का अलग साइज का क्राइटेरिया होता है, उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर में टी स्टैंड्स फॉर ट्यूमर, साइज ऑफ ट्यूमर। T1 अगर लिखा हुआ है वो ट्यूमर का साइज, वो गांठ का साइज 2 सेंटीमीटर या उससे छोटा है। T2 लिखा हुआ है तो ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, 5 सेंटीमीटर से कम, उतना बड़ा ये ट्यूमर है। T3 जाहिर सी बात है
T1 T2 से बड़ा था तो T3 T2 से बड़ा होगा, तो T2 5 सेंटीमीटर तक था तो 5 सेंटीमीटर से अधिक साइज वाला वो T3 हुआ, ट्यूमर का साइज जो है 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। T4 ये क्या है? T4 जाहिर सी बात है T1 T2 T3 से T3 से बड़ा है, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा तो है ही है। T4 वो है जो आपके स्किन को इन्वॉल्व किया हो, ऊपर का जो ट्यूमर ब्रेस्ट के अंदर है बट लेकिन अगर उसका स्किन भी इन्वॉल्व हो या अंदर जो मसल है, जो मसल आती है पेक्टोरिस मेजर, उसको फिक्स्ड हो, हिल नहीं रहा हो, या स्किन को भी इन्वॉल्व है मसल को भी इन्वॉल्व है, वो T4C हो गया। T4D क्या है? इन्फ्लेमेटरी, गुस्से वाला कैंसर जिसका स्किन पूरा रेड हो, फिक्स्ड हो या इन्फेक्टेड हो, अल्सरेटेड हो, वो क्या होगा? T4D हो गया। एक तो होता है T, ट्यूमर साइज, T1 2 सेंटीमीटर, T2 5 सेंटीमीटर, T3 5 से ज्यादा सेंटीमीटर, T4 T3 से बड़ा और स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है या अंदर के मसल को इन्वॉल्व कर रहा है या स्किन और मसल दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है या वो एंग्री लुकिंग इन्फ्लेमेटरी, जैसे पस हो जाता है कहीं पे, पीप हो जाता है, जैसे वो लाल हो जाता है स्किन, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। ये स्टेज में हो गया ट्यूमर साइज का, जिसको टी से क्लासिफाई करते हैं। फिर एक एन होता है, नोड्स, गांठे जो होती है, कैंसर की एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो ट्यूमर से अलग है, वो है फैलना। कैंसर हमारे शरीर में कैसे फैलता है? कैंसर जैसे कि डक्ट के अंदर हो या फिर एल्वुलस में हो जहां से मिल्क बन रहा हो, वो क्या करता है, अपनी जो बेसमेंट है, हर शरीर के कोई भी हिस्से में हम जानते हैं कि वहां पे ब्लड जाता है, और जब तक ब्लड जाते रहेगा या लिम्फेटिक्स जाते रहेंगे, वो शरीर हरा भरा, जिंदा, लाइव होगा। कोई भी लिविंग ऑर्गन हमारे बॉडी में हर एक जगह को उसका ब्लड का सप्लाई है, क्योंकि वो ऑक्सीजन ले जाता है वहां पे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको लेके आता है। तो हर ऑर्गन, जैसे ब्रेस्ट को भी है ना, ब्लड सप्लाई है, लिम्फेटिक सप्लाई है। ये कैंसर क्या करता है, अपने आप को ब्लड वेसल्स में फेंक देता है, शिप की तरह, जैसे वो अपने आप को डाल देता है, और फिर वो नालों की तरह ब्लड की पाइप के इसमें से वो फैलता है, फिर यहां से वो पहुंचता है एक्जिला में। अगर बगल में कोई नोड, कोई गांठ आ जाती है तो उसको कहते हैं नोडल स्प्रेड। एक गांठ हो, दो तीन अलग अलग से छोटे छोटे गांठ हो, तो वो N1 स्टेज होता है, लेकिन वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा और फिक्स्ड हो, दो तीन गांठ मिलके फिक्स हो जाता है, हिलता नहीं है बगल में, तो वो N2 हो जाता है। और फिर यहां से ऊपर के हिस्से में या इंटरमैमुलरी चेस्ट के पीछे स्टर्नम के अंदर की तरफ चला जाता है, तो वो N3 होता है, नोड्स का स्प्रेड। इसको भी स्टेज के लिए, घोषणा के लिए कि भाई कितना बीमारी है, नोड्स को भी देखा जाता है। और तीसरा ये कि अगर कैंसर ब्रेन में पहुंचा हो, तो ब्रेन एक अलग ऑर्गन है, यहां से कैंसर यहां पहुंचा है, यहां से लंग में पहुंचा हो या यहां से हड्डियों में पहुंचा हो, बोन्स में पहुंचा हो, या स्तन का कैंसर किडनी में या कोई दूसरे ऑर्गन में, एक जगह से दूसरे जगह जब ये पहुंचा हो, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। ये कैंसर की क्वालिटी है। ये 3 क्राइटेरिया को लेके, ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 से ज्यादा, या स्किन को मसल को इन्वॉल्व कर रहा है या एंग्री, T1 T2 T3 T4, यहां से अगर बगल में लिम्फेटिक्स के थ्रू फैला हो, AN1 एक नोड हो, दो तीन नोड हो, तो N1, अगर वो फिक्स्ड हो, एक बड़ी सी गांठ बनी है बगल में 4 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, और वो हिल नहीं रही है
वो एंटो, या वो ब्रेन में, लंग्स में, किडनी में, या शरीर के कोई दूसरे ऑर्गन्स में पहुंची हो, तो उसको कहते हैं हम मेटास्टेसिस। ये तीनों चीजों को लेके स्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर बनता है। स्टेज वन क्या है? पहला स्टेज क्या है? T1, जो स्तन का ट्यूमर 2 सेंटीमीटर का हो या उससे छोटा हो, बगल में कोई गांठ नहीं आई हो, या कोई ब्रेन में, लंग में, किडनी में या कहीं और फैला ना हो, वो कौन सा स्टेज हुआ? स्टेज वन हुआ। स्टेज वन जो फैला नहीं है, एक ही जगह पे है और 2 सेंटीमीटर का है। स्टेज टू क्या हुआ? जो ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से अधिक हो, 5 सेंटीमीटर का हो, 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में हो और बगल में एक गांठ आई हो। गांठ कैसी? छोटी गांठ, एक या दो छोटी छोटी गांठें और जो हिल रही हो, और ब्रेन में, लंग में, किडनी में, बोन में या कोई दूसरी जगह पे फैला ना हो, वो हो गया स्टेज टू। स्टेज टू यानी 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठ, बगल में गई भी है तो सिर्फ एक ही जगह पे, एक ही गांठ हो, एक या दो छोटी छोटी गांठ हो लेकिन बड़ी गांठ या फिक्स ना हो, हिल रही हो, वो हुआ स्टेज टू। स्टेज थ्री क्या है? T3 ट्यूमर या T4 ट्यूमर, जो ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो, जिसके गांठ बगल में हो और वो भी गांठ 2-3 से अधिक हो और फिक्स्ड हो, हिल नहीं रही हो, एक्जिला की जो गांठ हो काफी बड़ी हो, वो हुआ क्या? स्टेज थ्री ट्यूमर हुआ। स्टेज फोर क्या है? वो ट्यूमर, वो स्तन का ट्यूमर जो ब्रेन में जा चुका हो या फेफड़ों में, लंग में जा चुका हो, जो किडनी में जा चुका हो, लिवर में जा चुका हो, बोन्स में जा चुका हो, जो ट्यूमर अपनी सीमा छोड़ के, अपना ब्रेस्ट या अपने एक्जिला छोड़ के दूसरी जगह जो पहुंच चुका है, वो है स्टेज फोर ट्यूमर। मतलब हर जगह है वो, घर घर हो, मतलब हर जगह हो, शरीर के हर हिस्से में हो, वो है स्टेज फोर। स्टेज वन 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर, बगल में कोई गांठ नहीं, शरीर में कहीं फैलावा नहीं। स्टेज टू 2 से 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर, सिर्फ बगल में गया हुआ है और कहीं फैलावा ना हो। स्टेज थ्री ट्यूमर, बगल में बहुत ज्यादा गांठे हो। स्टेज फोर ट्यूमर, जो हर जगह हो शरीर में, शरीर के लिवर में, लंग में, शरीर के दूसरे हिस्सों में जो फैल चुका हो। यह है स्टेजिंग ऑफ कैंसर। स्टेजिंग क्यों किया जाता है, इससे हमें क्या पता चलता है? अब आप मुझे बताइए, स्टेज वन ट्यूमर में आदमी बचेगा या स्टेज फोर ट्यूमर में बचेगा? जाहिर सी बात है, स्टेज वन में बचेगा। और आज की डेट में देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज वन में 100% कैंसर पे जीत हासिल की जा सकती है, विजय पाया जा सकता है, कैंसर को खत्म किया जा सकता है। कैंसर है, जंग शुरू हो गई है, लेकिन हम उसको एंड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, वो स्टेज वन में हो सकता है और कामयाबी होगी 100%। और क्या ट्रीटमेंट होता है स्टेज वन का, वो हम डिस्कस करेंगे।
क्या ट्रीटमेंट हो। अब स्टेज टू में स्तन का कैंसर, 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठ, बगल में थोड़ी सी गांठ है। इसमें भी कैंसर पे विजय हासिल किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि अभी ये पूरे शरीर में फैला नहीं है। माना कि स्टेज वन से ज्यादा ऑपरेशन होगा, स्टेज वन से ज्यादा कीमो भी लगेगी, रेडिएशन भी होगा, लेकिन आदमी बच सकता है। कितने परसेंट बच सकता है? 90% बच सकता है ब्रेस्ट कैंसर में। 90% हम कैंसर को खत्म कर सकते हैं, कैंसर पे विजय पा सकते हैं स्टेज टू में। स्टेज थ्री वाला जो ट्यूमर है, जो ट्यूमर थोड़ा स्टेज टू से बड़ा है, बगल में भी बड़ी बड़ी गांठें हैं, क्या इसमें भी हम विजय पा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल विजय पा सकते हैं। और जो स्टडी की गई है, 100 में से 70 पे 2 कैंसर के मरीज इस स्टेज में भी बच जाते हैं, कैंसर पे विजय पा लेते हैं। हाँ, ये बात और है, इसमें हो सकता है कि कीमो पहले दी जाए, बीमारी को छोटी कर दिया जाए, फिर ऑपरेशन करके पूरे स्तन को निकाल दिया जाए, फिर वापस स्तन को बना दिया जाए, और फिर रेडिएशन भी दी जाए, और फिर कोई टैबलेट पे आपको लाइफ लॉन्ग रखा जाए, लेकिन विजय प्राप्त हो सकती है। 72% अगर हम अपना समय बर्बाद करेंगे, हम अपना वक्त बर्बाद करेंगे। बीमारी जब शुरू होती है तो स्टेज फोर में नहीं होती है, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि 100 में से 80% कैंसर के मरीज मर जाते हैं, 100 में से 80% कैंसर के मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं। सिर्फ वजह यह है कि जब आप समय पे सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हो, इलाज सही नहीं करवा पाते हो, या गलत डायरेक्शन में आप चले जाते हो, स्टेज फोर में क्या हो सकता है? स्टेज फोर वो स्टेज है जिसमें बीमारी पूरे शरीर में फैली हुई है, वो लास्ट स्टेज है। क्या इस स्टेज में बचा जा सकता है? देखा गया 100 में से 23 मरीज बच सकते हैं। हाँ, अगर हमें वो 23 मरीज को बचाना है तो 100 मरीजों को पूरे इलाज पे हमें डालना है। क्या इलाज किया जाए लास्ट स्टेज के मरीज को? देखिए, हम इंसान हैं, छोड़ नहीं सकते, मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लास्ट स्टेज में भी हम उनकी जिंदगी को आसान कर सकते हैं, उनके परेशानी को कम कर सकते हैं, उनके दर्द को मिटा सकते हैं। उनको नहीं जिंदगी नहीं दे सकते, लेकिन उनकी जिंदगी को तड़पने से बचाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, एक कोशिश की जा सकती है। यानी लास्ट स्टेज के मरीज को भी जीने का हक है, कम से कम उसको परेशान दर्द में ना रहने दें, बल्कि उसको भी कुछ ना कुछ ऐसा इलाज करें कि उसकी जिंदगी आसान हो, परेशानी कम हो, वो दर्दनाक मौत, वो तड़पना, वो परेशानी, खाना नहीं खाया जा रहा, खाना को कोई और तरीके से खिलाया जाए, साथ दिया जाए, साथ ना छोड़ा जाए। स्टेज फोर में 23% कैंसर के मरीज को बचाया जा सकता है। हाँ, लेकिन 100 के 100 मरीजों की जिंदगी को आसान किया जा सकता है। ये है स्टेजेस, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर। आज हम आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये है कि कितने जल्दी आपको पता चले कि भाई कैंसर है नहीं है, उसको कंफर्म करवाएं। दूसरा, जल्द से जल्द आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि जितना समय बर्बाद करोगे वो स्टेज वन से स्टेज टू से स्टेज थ्री से स्टेज फोर,
100% से 90%, 90% से 70%, 70% से 23% हम अपने मरीज को खो देंगे, उसको हम अपनी गलती से मौत के घाट उतार देंगे। हम रोज सुबह 5 बजे कैंसर भगाओ के तरफ से, समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च के तरफ से, प्रफुल्ल जी के तरफ से, हम आप तक क्या मैसेज पहुंचाते हैं? हम चाह रहे हैं कि आप जागरूक हो जाओ, आप अपनी बीमारी को स्टेज 1 पे पकड़ो, स्टेज 1 पे इलाज करो और 100% आप ठीक हो जाओ, अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाओ। इसलिए हमें स्टेज का पता होना जरूरी है कि कौन से स्टेज में हम हैं, ताकि हम उतनी जल्दी करके अपने आप को बचाएं, अपनी जिंदगी को बचाएं, स्वस्थ भारत, कैंसर फ्री भारत हम बनाएं। डॉक्टर साहब, ये भी सुनने में आया है कि लोग बोलते हैं जैसे कि मार लगने से ब्रेस्ट पे, या फिर डीओ स्प्रे करने से, या फिर टाइट ब्रा पहनने से, या पैडेड ब्रा पहनने से, जैसे लेडीज़ में होता है कि रात में नहीं पहन के सोना, या पूरे टाइम पहनने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं, या फिर फ़ोन को जेब में रखने से, ये कितने हद तक सही है, या आप इसको थोड़ा विस्तार में बताइए कि किन किन कारणों से, क्या ये भी कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने में? आपने जो कहा कि ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर का होना, या टाइट ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर का होना, या वायरिंग ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर का होना, ये एक मिथ है। ब्रा पहनने से, टाइट ब्रा पहनने से, या ऐसे ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, ब्रेस्ट कैंसर का ये कारण नहीं है। आपने ये भी कहा कि ट्रॉमा से, मार लगने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है क्या? एक्चुअली होता ये है, जब आदमी को मार लगता है तो अपने स्तन को पकड़ता है, वो अपने स्तन में बारीकी से वो ये देखता है कि कहीं मुझे मार तो नहीं लगा, कहीं ज़्यादा तो नहीं लगा, अंदर कोई गांठ तो नहीं हुई है। यही है, एक हो सकता है कि मार लगने से ज़्यादा एक आपके वहाँ पे लाली आ जाए, रेडनेस हो जाए, काला पड़ जाए और वो गांठ पिघल जाए। लेकिन अक्सर ये होता है क्योंकि हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते नहीं हैं, कभी मार लग जाता है तो अचानक हम उसको पैल्पेट करते हैं और देखते हैं कि अंदर एक गांठ है। होता यह है कि मार लगने से आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ है, लेकिन आपको मार लगने से आपकी तवज्जो, आपकी थोड़ी सी, आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान लेने की वजह से आप अपने ब्रेस्ट में एक लंप को आइडेंटिफाई करते हो। वो लंप पहले से है, लेकिन क्योंकि आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करते, लेकिन ट्रॉमा होने के बाद आपको लगता है कि भाई यहां पर कुछ है। फिर जब उसको पैल्पेट करते हो, इन्वेस्टिगेट, आपको लगता है कि नहीं, ये ट्रॉमा लगने से ये लंप आई। लेकिन होता ही है कि पहले से होता है लेकिन आपने उसको कभी देखा नहीं होता है। मार लगने पे आपकी तवज्जो उसके ऊपर जाती है, फिर आपको इन्वेस्टिगेट करते हो, इवैल्यूएट करते हो और ये हो। मार लगने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, ट्रॉमा से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। हाँ, कई बार देखा गया है कि आइडेंटिफाई तब इसलिए होता है क्योंकि आपकी तवज्जो, आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो। और रही बात फोन, फ़ोन को रखने से जो है ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, क्योंकि जो इसकी जो रेडिएशन से वो बहुत कम है। हाँ, लेकिन अगर आपके घर के ऊपर कोई बहुत बड़ा टावर हो या आसपास में जहाँ पे रेडिएशन्स बहुत ज़्यादा हो, बेसिकली रेडिएशन से ब्रेस्ट कैंसर होता है। हमने देखा ब्रेस्ट कैंसर में, एक हमने लिखा है कि रेडिएशन कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर, बट how much radiations, one cell will not cause that much radiation that it will cause breast cancer, but if there is a nearby very huge tower which has lots, the frequency is more, that can lead to breast cancer. So radiations can cause breast cancer, but a radiation from the phone is not that, radiations are not that much that it can lead to any cancer in the body. One more thing I would like to get to your notice is, can breast cancer occur in males? Yes. Males also develop breast cancer.
those males in whom there is an hormonal imbalance, in whom the estrogen progesterone level is high, those males are susceptible, they can develop breast cancer. But females, 99%, males, 1%, because this hormone is a female hormone which is comes from the ovary, which secretes estrogen progesterone. The message here is, yes, male breast cancer exists. It's only 1%, ek hi percent purushon ko male breast cancer hota hai. Aapke zehen mein baat aayegi, isme ilaj kya hota hai? Isme ilaj waise jaise ek female breast cancer mein hota hai, waise iska bhi ilaj hota hai. Isme bhi surgery hoti hai. When we'll be discussing, jab hum treatment part pe agar hum kabhi discuss karenge, to usme hum is cheez ko highlight karenge. And aapke answer, is male cancer, male breast cancer more dangerous or a female breast cancer more dangerous? Male breast cancer is more dangerous than female breast cancer. Why? Because in a female there is a lot of fat which will prevent the spread of the disease. But in male, since there is no fat, the cancer cells easily permit, they easily spread, they easily go to stage 4. That's why the mortality is more high in case of male breast cancer. Whereas in female breast cancer, there is a lot of fat, the disease progression is slow. So male breast cancer exists, it is less common, only 1%, and it is more deadly as compared to female breast cancer.